हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन स्टार। माई सेल्फ अदिति कुमावत। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंपल पास्ट टेंस, नाउ पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज़ पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस? पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट एन ऑनगोइंग एक्शन ऑफ द पास्ट। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पास्ट का ऑनगोइंग एक्शन जो है वो बताता है कि पास्ट में कौन सा एक्शन हो रहा था, ongoing था। इट यूजेज was were एंड ing is added with the verb। इसमें आपके was were और ing होते हैं, verb के साथ add होते हैं। I was writing articles on different topics। He was reading various kinds of books। They were playing football in that field। Now formation of past continuous tense, आपके यहाँ पे three signs दे रखे हैं, positive, negative एंड interrogative। positive signs का sign का mean है positive, यानी कि affirmative statement किस तरीके से बनाएंगे, negative एंड interrogative statements कैसे बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट आपके ऐड होगा। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में वॉज वर यूज़ होता है एंड वर्ब के साथ आई एन जी ऐड होता है। सो वॉज वर आप किस बेस पर लगाएंगे, सब्जेक्ट को देखकर। जैसे सब्जेक्ट आपके अगर सिंगुलर हुआ देन यू विल यूज़ वॉज, एंड अगर प्लूरल होता है तो आप वर यूज़ करेंगे। पर आपके आई के साथ तो आपके वॉज आएगा, पर यू के साथ आपको लगाना है वर। यू इज़ द एक्सेप्शन ऑफ पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, उसके साथ आपके वर आएगा। जॉन वॉज गोइंग, नाउ वर्ब हो गई गो एंड प्लस आई एन जी हो गया गोइंग। जॉन वॉज गोइंग देन ऑब्जेक्ट टू लंदन नेक्स्ट मंथ। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव स्टेटमेंट। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आपके पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के नेगेटिव स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, बस आपके वॉज वर के बाद में नॉट ऐड हो जाएगा। जॉन वॉज नॉट गोइंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ। नाउ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपके वॉज वर पहले आ जाता है एंड सब्जेक्ट बाद में आता है, लेकिन आपको सब्जेक्ट के बेस पर ही वॉज वर लेना है। जैसे वॉज जॉन, सो जॉन इज सिंगुलर, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, देन आपके यहाँ पे वॉज आ गया। देन वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप ये मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स फॉर्म करते हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क ऐड करना इंपॉर्टेंट होता है। वॉज जॉन गोइंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ। ओके, नाउ सेंटेंसेज यूजिंग पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ये कुछ सेंटेंसेज हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, मीन्स पास्ट सिंपल पास्ट सॉरी पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को यूज़ करके यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज मैंने आपको दिए हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में बताया है, उसकी फॉर्मेशन बताई, उसकी डेफिनेशन बताई है एंड सेंटेंसेज भी हमने देखे हैं। सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।